आगाज में आपको खबर दें कि सियालकोट में गाड़ी पर फायरिंग करके 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कार सवार शेखपुरा से वापस सियालकोट आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आमिर बताइए, क्या इब्तदाई तफसील है इस वाकये की? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना कला कारण वाला के करीब मालू के भली के करीब पेश आया, जहां से गाड़ी का ताकुब करने वाले नामालूम अफराद ने फॉर्चुनर गाड़ी में पहले सवार अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके 7 अफराद को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर डीटीओ सियालकोट थाना उमर फारूक ने नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी और एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी डीएसपी पसरूर, एसएचओ कला कलरवाला, सीआईए की टीम और पीएफएसए की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इत्तला के मुताबिक कत्ल का यह वाकया पुरानी दुश्मनी का अफसाना लगता है। तर्जमान पुलिस का कहना है कि फरीकैन के दरमियान जिला शेखुपुरा में जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से ख्याल यही किया जाता है कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।